हेलो फ्रेंड्स, मैं वो कुलदीप और स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो आज हम देखने वाले हैं ग्रेफाइट और चारकोल की मिक्सिंग। तो इसके लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ तीन टाइप के पेपर। एक तो होगा अपना ये स्लिपरी पेपर आइवरी का, दूसरा होगा मीडियम टेक्सचर का पेपर और थर्ड होगा रफ टेक्सचर का पेपर। तो पहले हम शेडिंग करेंगे स्मूथ टेक्सचर के पेपर पे ग्रेफाइट से। तो अब हम उनसे शेडिंग कर लेते हैं। तो मैं तीनों पेपर पे शेड कर लेता हूँ HB पेंसिल से। तो हमने स्मूथ पेपर पे शेडिंग कर ली है, आइवरी का पेपर है ये, स्मूथ साइड है। तो अब मैं मीडियम टेक्सचर के और रफ टेक्सचर के पेपर पे भी शेडिंग कर लेता हूँ। ऐसे हम सर्कल शेड करेंगे। तो यह हमारे तीन टाइप के पेपर है, जैसे कि स्मूथ वाला पेपर है आइवरी की स्मूथ साइड, ये मीडियम टेक्सचर का पेपर है सेंटर वाला, और लास्ट वाला रफ टेक्सचर का पेपर है। तो अब हम इन तीनों पेपर पे चारकोल पेंसिल से शेड करेंगे। तो कैमलिन की चारकोल पेंसिल यूज़ करूँगा मैं। डार्क शेड करेंगे हम, तो देखेंगे कैसे ड्रॉ होता है तीनों पे शेड करने के बाद। तो आप इसे ब्लेंड करेंगे ब्रश से। तो जैसे कि हमने देखा, अगर हम चारकोल से ड्रॉ करते हैं ग्राफाइट पे तीनों पेपर पे, तो अच्छे से ठीक ठाक ड्रॉ हो पाता है तीनों पे भी, कुछ डिफरेंस ज़्यादा नहीं आता। तो अब हम ड्रॉ करेंगे शेडिंग करेंगे चारकोल पाउडर से। इसी में से चारकोल लूँगा और मैं शेड करूँगा साइड में, तो देखते हैं कैसे ड्रॉ होता है। तो आप देखेंगे हम अच्छे से ड्रॉ होता है या नहीं। तो मैं पहले स्मूथ टेक्सचर के पेपर पे ब्लेंड कर लेता हूँ। तो जैसे कि आपने देखा, अगर हमने स्मूथ पे टेक्सचर के पेपर पे यहाँ से चारकोल लेके यहाँ पे शेड किया, तो अच्छे से ड्रॉ होता है, और यहाँ पे भी ड्रॉ होता है मीडियम टेक्सचर के पेपर के। अगर हम ड्राई पेपर की बात करें तो ज़्यादा स्मूथ नहीं होता है। अगर आप क्लोथ से देख पाएंगे तो मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे आपको व्हाइट डॉट्स दिखेंगे यहाँ पे। अगर हम मीडियम टेक्सचर के पेपर की बात करें तो स्मूथ दिखेगा आपको, ज़्यादा स्मूथ नहीं होता स्मूथ टेक्सचर के पेपर से, लेकिन ठीक ठाक हो जाता है। लेकिन अगर हम स्लिपरी पेपर की बात करें या स्मूथ पेपर की बात करें, तो अच्छे से शेड हो जाता है यहाँ पे, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। इन दोनों पेपर से यहाँ पर अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो ये अच्छा होता है ड्रॉ यहाँ पे। तो मैं अपना एक स्मूथ टेक्सचर का पेपर का स्केच भी दिखा देता हूँ आपको, जहाँ पे मैंने चारकोल का यूज किया था स्किन पे। तो ये आमिर खान का स्केच देखिए, यहाँ पे अगर देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे मैंने चारकोल का यूज़ किया है, इसी चारकोल का यूज़ किया है यहाँ पे, और यहाँ पे काफ़ी आपको स्मूथ दिख रहा होगा ये स्केच। यहाँ पे भी मैंने थोड़ा बहुत यूज़ किया था। तो अब हम इसी शेडिंग पे डार्क शेडिंग करेंगे 4B पेंसिल से इस HB पे, और उस पे चारकोल का यूज़ करके देखेंगे क्या होता है। तो मैं अब तीनों पे शेड कर लेता हूँ 4B पेंसिल से। तो तीनों पेपर पे हमने 4B पेंसिल से शेडिंग किया। अब हम इस पे चारकोल पेंसिल और चारकोल पाउडर का तीनों पे यूज करेंगे। मैं तीनों पे यूज कर लेता हूँ, बाद में आपको मैं बताऊंगा क्या क्या डिफरेंस आता है या नहीं आता है। तो मैं यूज कर लेता हूँ तीनों पे, डार्क पेंसिल से शेड करूंगा और उससे ब्रश से भी शेडिंग करूंगा।
साइड में उसी, तो कर लेते हैं हम तीनों पेपर पे। तो अगर हम स्मूथ पेपर पे डार्क शेड करेंगे तो अच्छे से ठीक ठाक ड्रॉ हो पाता है, लेकिन आपको ज़्यादा प्रेशर देना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू मीडियम टेक्सचर के पेपर से। आपको गैप दिखेंगे आप इस पे, लेकिन ब्रश से ब्लेंड करने के बाद वो चले जाएंगे, अच्छे से मिक्स हो जाएगा वो। अगर मीडियम टेक्सचर की बात करें तो इससे ज़्यादा स्मूथली ड्रॉ होता है डार्क, ज़्यादा और स्मूथली ड्रॉ होता है और ज़्यादा प्रेशर भी नहीं देना पड़ता। तो और अगर हम रफ पेपर की बात करें तो इस पर भी अच्छे से ड्रॉ नहीं होता, आपको व्हाइट डॉट्स दिखेंगे, यहाँ पे खराब भी हो जाता है पेपर, अच्छे से नहीं ड्रॉ हो पाता। तो अब हम इस चारकोल पाउडर का यूज करके यहाँ पे शेडिंग कर लेते हैं 4B पे, तीनों पेपर पे शेड कर लेता हूँ मैं, बाद में एंड में आपको बताऊंगा क्या डिफरेंस आता है। तो मैंने चारकोल पाउडर का यूज करके तीनों पे शेड किया। तो अगर हम स्मूथ टेक्सचर के पेपर की बात करें, तो अगर आप स्मूथ टेक्सचर के पेपर पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे इवन शेडिंग नहीं देखेगी, लेकिन ये चारकोल कंपनी से हुआ है, मैंने स्केच पे ट्राई किया है, अच्छे से स्मूथली शेडिंग होता है स्मूथ पेपर पे। तो अब हम देख लेते हैं मीडियम टेक्सचर के पेपर पे कैसे ड्रॉ होता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे काफ़ी इवन शेडिंग हुए, हर जगह पर अच्छी तरह से फैला है चारकोल, आपको ज़्यादा किसी एक जगह पे ज़्यादा डार्क नहीं दिखेगा, स्मूथ शेडिंग दिखती है यहाँ पे मीडियम टेक्सचर पे। और अगर हम रफ टेक्सचर की पेपर की बात करें तो इस पर भी अच्छे से ड्रॉ हो पाया है, ऑल्दो इस पर डार्क पेंसिल से शेडिंग अच्छी नहीं होती, लेकिन अगर पाउडर का यूज़ करेंगे तो अच्छे से शेड हो जाता है, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे स्मूथली शेडिंग हुई है यहाँ पे। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं चारकोल का ग्रेफाइट के स्केच पे। तो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ कहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं चारकोल का ग्रेफाइट पे। जैसे कि आपको बताया, अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते हैं तो मैं हेयर्स ड्रॉ करने के लिए या फिर बियर्ड ड्रॉ करने के लिए चारकोल पेंसिल का यूज़ करता हूँ। मैं आपको जैसे कि मैंने ये स्केच दिखाया आपको आमिर खान का, तो इस पर भी हेयर ड्रॉ करने का और बियर्ड ड्रॉ करने के लिए मैंने चारकोल पेंसिल का यूज़ किया है। या फिर मैंने एक ट्यूटोरियल भी बनाई थी चारकोल पेंसिल के हेयर्स की, ये वाली, तो ये मैंने चारकोल पेंसिल से ही ड्रॉ की थी, आपको इसकी ट्यूटोरियल मिल जाएगी चैनल पे अगर आप देखना चाहते हैं तो। मैं ज़्यादातर हेयर्स ड्रॉ करने के लिए चारकोल पेंसिल का ही यूज़ करता हूँ ग्राफाइट पे, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, ये फैल जाता है यहाँ पे, अगर आपका फेस होगा ग्राफाइट से ड्रॉ किया होगा तो यहाँ पे वो फैल जाता है, और अगर आप उसे इरेज करेंगे इरेजर से तो बाद में शेडिंग करते समय वो मैच नहीं होता। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप इरेज करके थोड़ा शेड करके दिखा देता हूँ। तो अगर हम इसे इरेज करेंगे और बाद में फिर से हम चारकोल से यूज करके इसे ब्लेंड करना चाहेंगे तो अच्छे से मैच नहीं होगा, आपको व्हाइट धब्बा दिखेगा यहाँ पे, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये व्हाइट धब्बा दिख रहा है, अच्छे से मैच नहीं होता अगर आप इसे इरेज करेंगे तो। तो आपको केयरफुली यहाँ पे ब्लेंडिंग करनी है, यहाँ से चारकोल लेंगे आप ग्रेफाइट पे ब्लेंड करेंगे या फिर शेड करेंगे तो आपको केयरफुली ड्रॉ करना है, आपको सेकंड चांस नहीं मिलेगा अगर आप इरेज करेंगे तो, वो अच्छे से मिक्स नहीं होता, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे व्हाइट धब्बा पड़ गया। सेम इसी इन दोनों पेपर पे भी होता है, मैंने खुद ट्राई करके देखा है, आपको इरेज करके फिर से यहाँ पे चारकोल पाउडर से शेड करना चाहेंगे तो अच्छे से शेड नहीं होता, इवनली शेड नहीं होता। तो मैंने जैसे कि बताया हेयर ड्रॉ करने के लिए आप चारकोल पेंसिल का यूज करते हैं। और एक बात का आपको ध्यान रखना है, चारकोल को ब्लेंड करते समय आपको कॉटन बर्ड का यूज नहीं करना है, अगर आप कॉटन बर्ड से बर्ड का यूज करेंगे तो ब्लेंड नहीं होता अच्छे से, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं अगर शेडिंग करूंगा थोड़ा शेड करके दिखा देता हूँ, अगर कॉटन बर्ड का यूज करके ब्लेंड करने की ट्राई करूंगा तो ब्लेंड नहीं होगा अच्छे से। तो देखिए मैं ज़्यादा फैला रहा हूँ लेकिन वो फैलता नहीं, उसका रीज़न ये है कि उस पर लग जाता है, लेकिन अगर आप ब्रश का यूज करेंगे तो अच्छे से फैल जाता है वो, उस पर लगता नहीं उस ब्रश पे। तो उस बात का भी आपको ध्यान रखना है, चारकोल को ब्लेंड करते समय कॉटन बर्ड का यूज नहीं करना है, तीनों पेपर पे भी सेम रूल अप्लाई होता है। तो अब बात आती है और क्या ड्रॉ कर सकते हैं हम चारकोल पेंसिल से। तो अगर हम ब्लैक टेक्सचर ड्रॉ करना चाहे तो चारकोल पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम ग्रेफाइट से ड्रॉ करेंगे तो शाइन देता है ग्रेफाइट और अच्छे से दिखता नहीं
ब्लैक टी शर्ट, तो मैं आपको दो टी शर्ट अपनी दिखा देता हूँ मैंने जो ड्रॉ किए थे। अगर आप ये सलमान खान का स्केच देखेंगे तो ये ड्रॉ करने के लिए मैंने चारकोल पेंसिल का ही यूज किया है, या आप फोल्स देखेंगे तो ये फोल्स ड्रॉ करने के लिए मैं डार्क पेंसिल का यूज किया था ग्रेफाइट के। मैं एक सेपरेट ट्यूटोरियल बनाऊंगा टी शर्ट का टेक्सचर ड्रॉ करने के, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ज्यादा शाइन नहीं करता ये। तो अगर आप इसे देखेंगे जो शाइन दिख रहा है आपको, ये ग्रेफाइट का यूज है इसलिए वो शाइन दिखता है थोड़ा। तो इस बात का भी ध्यान रखना कि अगर आप चारकोल पे ग्रेफाइट का यूज करेंगे तो अच्छे से दिखता नहीं हो, शाइन करता है और व्यूअर्स को विजिबल भी होता है शाइन कर रहा है ऐसा। तो हमेशा ग्रेफाइट और चारकोल मिक्स करते समय ग्रेफाइट पे चारकोल का यूज़ करना, लेकिन चारकोल पे ग्रेफाइट का ज़्यादा यूज मत करना, अच्छे से मिक्स नहीं होता ग्रेफाइट चारकोल पे। लेकिन अगर आप पूरा चारकोल का यूज करेंगे तो शाइन नहीं आएगा आपके पेपर पे। तो जैसे कि आप देखेंगे ये आइवरी का पेपर है और ये रफ साइड है आइवरी की, स्मूथ वाली साइड नहीं है। तो इस पे मैंने ड्रॉ किया था टी शर्ट, लेकिन वो अच्छे से चारकोल ब्लेंड नहीं हुआ जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। मैंने काफी ट्राई किया लेकिन ब्लेंड नहीं हुआ, लेकिन ये अगर टी शर्ट आप देखेंगे तो काफी अच्छे से ड्रॉ हुआ था। ये स्मूथ साइड है आइवरी की, स्लिपरी वाली। तो अगर आप चारकोल का यूज करना चाहते हैं तो आइवरी के पेपर पे तो आपको स्मूथ साइड ही यूज करनी है। अगर आप इस साइड का यूज करेंगे तो कुछ ऐसा होता है, वो अच्छे से ब्लेंड नहीं होता। तो इस बात का ध्यान रखना, अगर आप आइवरी का पेपर का यूज करते हैं तो स्मूथ साइड का ही यूज करना। और अगर आप इस रफ साइड पे भी चारकोल का यूज करेंगे फेस पे तो आप देख पा रहे होंगे धब्बे दिखेंगे आपको। तो यहाँ से चारकोल लेके यहाँ पे मैंने ब्लेंड किया है लेकिन अच्छे से नहीं ड्रॉ हो पाया। लेकिन अगर आप उस आमिर खान का स्केच देखेंगे आप तो अच्छे से स्मूथ ड्रॉ हो पाया है, क्योंकि वो स्लिपरी साइड है आइवरी की, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्लिपरी साइड है ये। तो ध्यान रखना अगर आप आइवरी का पेपर का यूज करते हैं तो। मैं एक लास्ट बात आपको बता देता हूँ, अगर आप नीडेड इरेजर का यूज करेंगे इस शेडिंग पे, जैसे कि अगर मैं इसे इरेज करूंगा ग्रेफाइट को नीडेड इरेजर से, और इस पे अगर हम चारकोल का यूज करेंगे तो खराब हो जाएगा आपका स्केच। में आपको दिखा देता हूँ, अगर आप इस नीडेड इरेजर का यूज करके इस पे इरेज करेंगे और इस पे आप अगर हम ब्रश का यूज करके इसे फैलाएंगे तो पूरा खराब हो जाएगा आपका स्केच। मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर चारकोल अवेलेबल नहीं है इसलिए वो अच्छे से ड्रॉ नहीं हो पाया। उसका रीजन ये है क्योंकि वो चिपक जाता है, जैसे कि आपको धब्बे दिखेंगे कि मैं इसे ब्लेंड कर लेता हूँ, पूरा खराब हो जाता है वो शेड, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, देखिए देख रहे हैं आप होंगे। उसका रीजन ये है कि वो स्टिकी होता है ये इरेजर, तो यहाँ पे चिपक जाता है जगह जगह पे, चारकोल अच्छी तरह से फैल नहीं पाता। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना, अगर आप नीडेड इरेजर का यूज करते हैं ग्रेफाइट पे और उस पे चारकोल का यूज करते हैं तो आपका पूरा स्केच खराब हो जाएगा और आप उसे अच्छे से ड्रॉ भी नहीं कर पाएंगे, आपको नया ड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि आप उस पे एडजस्टमेंट नहीं कर सकते अगर आप नीडेड इरेजर का यूज करके उस पे चारकोल का यूज करते हैं तो। तो उस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो यही थी आज की वीडियो फ्रेंड्स, आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा और आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा अगर आपको ग्रेफाइट पे चारकोल का यूज करना है तो कहाँ कहाँ पे आप यूज कर सकते हैं और किन टूल्स का यूज करने से आपका स्केच खराब हो सकता है। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।